नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले बिलासपुर से एक बड़ी जानकारी, युवक की हत्या के मामले में खुलासा हो चुका है। 8 लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या की थी और इससे लेकर पुलिस की तरफ से खुलासा, साथ ही साथ 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 अन्य आरोपी जो कि फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। गोवर्धन पाली नामक युवक की हत्या हुई थी, कोनी थाना क्षेत्र के कछार की पूरी घटना है। अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई थी, ये खुलासा पुलिस की तरफ से फिलहाल सामने आया है, जिनके 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। तो पूरा मामला बिलासपुर से जुड़ा हुआ, जहां पर 8 युवकों ने मिलकर एक युवक की हत्या की थी। 8 में से 5 फिलहाल पुलिस गिरफ्त में, जबकि 3 अन्य आरोपी जो कि फरार हैं, इनकी तलाश में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। ये बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के शक में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। कछार गांव में बीती रात एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम गोवर्धन पाली है, जो जरा गांव जिला मुंगेली का रहने वाला था। वो रात में यहाँ कछार गांव कोनी थाना क्षेत्र में आया था और वहाँ पर 8 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। और इधर नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी लामबंद हैं। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी कल शुक्रवार को रायपुर में आक्रोश रैली निकालेंगे। पिछले 40 दिनों में आंदोलन कर रहे अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण रथ यात्रा लेकर निकले। और आपको यह भी बताएं कि इस यात्रा का कल समापन होना है। रायपुर के तूता नवा रायपुर धरना स्थल पर जुटेंगे और आंदोलन की राह पर लगातार कर्मचारी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि शुक्रवार को इन्हें नियमितीकरण का आश्वासन अगर नहीं मिला तो प्रदेश भर के सभी विभागों के 45,000 अनियमित कर्मचारी एक साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। महासंघ के द्वारा 16 मई 2023 से जांजगीर चांपा जिले से संविधान नियमितीकरण रथ यात्रा निकाला गया था। 33 दिनों से भ्रमण करते हुए कल रायपुर पहुंच रही है। 40 दिनों तक चली है, 3000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए कल रथ यात्रा का समापन है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को छत्तीसगढ़ में 45,000 करते हुए ज्ञापन सौंपेंगे। उसके पश्चात भी अगर शासन हमारी मांगों को अनदेखा करती है तो कल ही अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए तिथि का ऐलान किया जाएगा और सरकार को अल्टीमेटम देते हुए छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारी, सभी विभागों के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ ने भी प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर तूता धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। शिक्षक वरिष्ठता के आधार पर वेतन की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर किस तरह से धरना स्थल पर बड़ी संख्या में शिक्षक होते रहे तस्वीरें आप देखिए। साथ ही साथ एक तरफ अनियमित कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई। और दूसरी तरफ तूता धरना स्थल पर शिक्षक लामबंद है, वरिष्ठता के आधार पर वेतन की मांग कर रहे हैं। मतलब अभी पता है लेकिन पहले नहीं था पता, मैं ये कहना चाहूंगा। क्योंकि यदि तो राज्य स्तरीय शिक्षक संघ का ये धरना प्रदर्शन। इधर रायपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रतनपुर के ब्लैक स्पॉट को सुधारने का काम किया जा रहा है। सड़कों के आसपास जिन जिन लोगों ने बैजा कब्जा कर रखा है, मकान बनाया है, दुकान बनाए हैं, उसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा है। रतनपुर तहसील में 380 लोगों को कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया था। इसका दुकानदार विरोध कर रहे हैं, जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर समझाइश भी दी जा रही है। सड़कों पर अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को तोड़ा जा रहा है। आपको ये भी बताएं कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का काम निरंतर चल रहा है। यहाँ पर ग्राम रतनपुर में खुटा घाट से खंडोबाबा मार्ग तक के 11.5 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण करना है, जिसकी जद में सड़क की जो जद है उसमें अगर कोई भी अतिक्रमण आ रहे हैं तो उसको हटाया जा रहा है। हमारे द्वारा एक समय सीमा फिक्स की गई है कि मानसून से पहले सभी अतिक्रमण हटा दिए जाए। हमने लगभग 380 लोगों को नोटिस दिया है, जिसमें किसी की बाउंड्री है, किसी का छोटा मोटा टिन शेड है, ऐसा करके लगभग 380 लोग प्रभावित हैं।
न्यायधानी बिलासपुर में रफ्तार के कहर का एक वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो जो आपको दिखाएंगे उसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरह से तेज रफ्तार के चलते कार डिवाइडर से सबसे पहले टकरा जाती है और उसके बाद पलट जाती है। इस घटना में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाने का काम भी हुआ, लेकिन तोरवा थाना क्षेत्र के पेंडलवाड़ नर्सिंग होम के पास ये दुर्घटना घटी, जिसके चलते सभी लोग आसपास हैरान हो गए। तस्वीरें आप देखिए कितनी तेज रफ्तार में कार आ रही थी, अचानक से डिवाइडर से टकराकर पलट गई। फिल्मी स्टाइल में कार पलटी है, कार के पलटते ही आग भी लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर भी काबू पाया गया। पुलिस इस मामले की जांच करे कि आखिर किस परिस्थिति में ड्राइवर इतनी तेज रफ्तार में शहर के बीचों बीच इस गाड़ी को चला रहा था। इधर मनेंद्रगढ़ के मगौरा में सड़क निर्माण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहां पर साल 2021 में 2 सड़कों के निर्माण के लिए सेशन हुआ था। आपको यह भी बताएं कि भ्रष्ट ठेकेदार और अधिकारियों ने 2 में से केवल 1 सड़क बनाकर छोड़ दी और सड़कों के बिल के पैसों को निकाल लिया। इस पूरे मामले में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने शिकायत की और इसकी शिकायत की, जिसके बाद ठेकेदार द्वारा आरन फानन में रातों रात एक सड़क का निर्माण शुरू हुआ, जिसकी स्थिति आप देख रहे हैं। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर भ्रष्टाचार किसी भी डिपार्टमेंट में अगर होगा और कोई भी व्यक्ति उसमें अगर शामिल होगा, जांच के बाद दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के लिए ये सरकार जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, एक तो वो बहुत पहले के काम है, मेरे आने के पहले के काम है, लगभग वो पूरा हो गया था, मेरे ख्याल से मार्च 2022 में पूरा हो गया था, है ना। उसमें ऐसा तो होता नहीं है, पिडोली में जान ली, उसमें कुछ मेंटेनेंस जैसे मेरे को पता चला है, कुछ पोर्शन को मेंटेनेंस में लेके बनाए हैं और जो बचा हुआ है वो जो उसको कंप्लीट भी कर दिए हैं अभी शायद। कांग्रेस सरकार की स्थानीय विधायक की एवं सांसद महोदय की छवि धूमिल में करने में लगे ऐसे ठेकेदारों के ऊपर मेरे द्वारा कल MCB जिले के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप कर ठेकेदार को ऊपर FIR दर्ज कराने की मांग की है। BJP कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा आज धरना प्रदर्शन यहां किया गया था। उन्हें समझाया गया कि संपूर्ण जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी एवं आवश्यक होने पर FIR की भी कार्रवाई होगी। इधर अंबिकापुर पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बेलकोटा गांव में वेयरहाउस के गोदाम का लोकार्पण किया। आपको यह भी बताया कि सरगुजा जिले में ज्यादा धान खरीदी होने और कस्टम मिलिंग के बाद चावल रखने के व्यापक इंतजाम नहीं दिख रहे थे और उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने गोदाम का निर्माण करवाया है। 10 करोड़ की लागत से बने इस वेयर हाउस में 20,000 मीट्रिक टन चावल रखने की क्षमता है। इससे सरगुजा संभाग सहित इस क्षेत्र के लोगों को व्यापक रोजगार के साथ पर्याप्त मात्रा में चावल रखने का इंतजाम है। अमरजीत भैया, अमरजीत भैया, गोदाम का निर्माण हुआ और उसका आज लोकार्पण कार्यक्रम जनता को समर्पित किया गया। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जहां अन्नपूर्णा का भंडार हो वहां किसी चीज़ का कमी नहीं होता है, तो यहां 2 बड़े गोदाम बनाए गए हैं, बेलकोटा में 20,000 मीट्रिक टन का और राधापुर में 10,000 मीट्रिक टन का। पूरे छत्तीसगढ़ में NSUI प्रवक्ता चयन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इसमें प्रदेश, संभाग और जिला स्तर पर प्रवक्ताओं का चयन किया जाना है। इसको लेकर NSUI के नेता प्रचार प्रसार के लिए भी जुटे हुए हैं। कवर्धा पहुंचे और उसमें स्थानीय कांग्रेस भवन में आयोजन किया गया। प्रभारी संजीव शुक्ला ने कहा कि 26 जून तक संबंधित प्रतिभागी व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल्स भेज सकते हैं और उसके बाद शॉर्टलिस्ट कर उन्हें बुलाया जाएगा। योग्यता के आधार पर चयन होगा। चयन होने के बाद उनका काम राज्य की भूपेश सरकार के विकास कार्यों का जनता तक पहुंचाना होगा। यही प्लान तैयार होना है। लड़ने वाले लोगों की एक फौज बनाई जा रही है और उन ऐसे फौज में जो क्रांतिकारी सेना में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और इसीलिए इसी तारतम्य में NSUI में प्रवक्ता चयन कार्यक्रम लाया गया है और जिसका नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल छत्तीसगढ़िया बोल दिया है।
इधर सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में एक रात में हुई तीन बाइक की चोरी के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भटगांव में 12 जून को एक रात में ही चोरों ने तीन बाइकें पार कर दी थी और उसमें एक पुलिस आरक्षक की भी बाइक शामिल थी। वारदात के दो दिन बाद कोरबा पुलिस ने चोर गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। भटगांव में चोरी हुई बाइक को बरामद किया गया था। घटना के 10 दिन बाद तीन अन्य आरोपियों को भटगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। में तीन बाइक एक रात को चोरी हुई। चोरी की सूचना पर रात पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और उनके दिशा निर्देश पर आरोपियों की पतासाजी में टीम लगाया गया। टीम के द्वारा फिर पता चला कि कोरबा में तीन बाइक मिली है जिसको वहाँ की पुलिस ने जब्त की है। उसमें दो आरोपी गिरफ्तार थे। घटना में छह आरोपी अभी भी फरार थे, जिनकी पता चली मुखबिर से पता चला, जिसमें से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा घटना में पुलिस स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया गया है। इधर कवर्धा में 5 दिनों से लापता वनरक्षक ललित दुबे की लाश मिली है। 18 जून को ड्यूटी पर जाने की बात कहकर निकले थे और उसके बाद घर नहीं वापस आए और उसके बाद ललित दुबे का मोबाइल नंबर लगातार स्विच ऑफ भी बताया जा रहा था। इससे घर वाले किसी अनहोनी की आशंका जाहिर कर रहे थे। उधर पोडला पुलिस और वन विभाग की टीम ललित दुबे की जंगल में तलाश कर रही थी। उसी दौरान आज सुबह पोडला थाना क्षेत्र में घोंघा के जंगल में उनकी लाश मिली है। शव पूरी तरह से खराब हो चुका है। पास में ही उनकी बाइक भी पाई गई है। शव के पास एक स्टील का ग्लास और कीटनाशक की पुड़िया मिली है। इसे देखते हुए प्रथम दृष्टया खुदकुशी का केस ये लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। कल पहाड़ी के नीचे ललित दुबे का मोटरसाइकिल खड़ा हुआ मिला। उसके आसपास कीटनाशक दवाई के रैपर और सीसी भी मतलब पड़ा हुआ था और उसके कुछ ही दूरी पर उसके मृत हालत में लाश पाया गया। जांच के दौरान ये पता लगा था कि बोडला के कृषि केंद्र से उसने ये कीटनाशक दवाई उसी तारीख को 18 तारीख के सुबह में खरीदा था। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं यहां पर बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा के लिए अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही साथ अन्य जिले भी आते हैं इस लिस्ट में। जशपुर, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, कोरबा के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। रायगढ़ और मुंगेली में भी इसी तरह से बारिश कहर बरपा सकती है, इसकी भी आशंका, क्योंकि अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का दौर चल ही रहा है। और इस बीच मौसम विभाग की तरफ से यह भी आशंका जाहिर की गई है कि आंधी चलने के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है और इसलिए आने वाले समय में गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन मॉनसून की दस्तक प्रदेश में पहली हो सकती है। मानसून की जो हवाएं हैं उसकी है गति है बढ़ गई है, जिसके कारण से पर्याप्त मात्रा में नमी आ रही है। तो इन सब के इफेक्ट के कारण से लगभग पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। तापमान की बात करें तो बादल छाने और साथ ही नमी युक्त हवा के आने और ऑलरेडी बारिश हो जाने के कारण से यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर में सार्थक रूप से करीब करीब 4 से 5 डिग्री का वो गिरावट देखने को मिल सकता है। आगामी समय में देखें तो अभी फिलहाल अनेक स्थानों पर आजकल और परसों हैं वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, वज्रपात होने और भारी बारिश भी होने की संभावना है। इधर बलरामपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची और एक महिला की जान चली गई है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कई महिलाएं भी घायल हुई हैं। घायलों को वाटर नगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको ये भी बताएं कि अचानक से तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिर गई और बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे महिलाएं खड़ी हुई थी, जो कि मना किया जाता है अक्सर, लेकिन आप देखिए वाटर नगर के हरे गवाह का ये पूरा मामला, जहां पर कई महिलाएं झुलसी भी हैं। इस बारे में भी जानकारी, अस्पताल में इनका इलाज जारी है। दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर से पड़ने वाली हैं। सुपेला रेलवे अंडरब्रिज में आज गटर लॉन्चिंग का काम चल रहा है। साथ ही आपको ये भी बताएं कि 3 एक्सप्रेस सहित 7 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसी के चलते 2 ट्रैक्स पर गटर लॉन्चिंग, मिडिल लाइन और अप लाइन में गटर लॉन्च किया जाएगा और इसी के चलते रेल यात्रियों को परेशानियों से जूझना पड़ सकता है।
राजधानी भोपाल का अब जिक्र करेंगे, जहां पर बेजुबान से बर्बरता का एक और मामला सामने आया है। कुत्ते को बुरी तरह से मारा गया है। हमले में बुरी तरीके से कुत्ता घायल हो चुका है। कुत्ते को गले में फंदा बनाकर पहले बांधा गया और फिर उसके बाद बुरी तरह से उसे पीटा गया। निषादपुरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पशु प्रेमियों ने थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर केस भी दर्ज कर लिया, लेकिन यह पूरा मामला जो कि अब पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। आरोपियों की फौरन तलाश की जाएगी, गिरफ्तारी होगी, दावा पुलिस भी कर रही है, लेकिन ये वीडियो निश्चित तौर पर चिंताजनक। शहडोल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां दो आदिवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है। मजदूरी करने के लिए दोनों आदिवासी जा रहे थे और तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। बाइक सवार मजदूरों को भारी चोट आई। टक्कर मारने के बाद चालक वहां से वाहन लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। खैरहा पुलिस ने हालांकि जांच शुरू की है। दोनों आदिवासी मजदूरों की इस पूरी दुर्घटना में मौत हो गई। इधर छत्तीसगढ़ का चर्चित प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, जिसका जिन एक बार फिर से बाहर आ गया, एक बार फिर से अब यह पूरा मामला तूल पकड़ने लगा है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बीजेपी को घेरा। घोटाले के मुख्य आरोपी महेश सिन्हा के नाको टेस्ट का हवाला देते हुए भूपेश बघेल ने रमन सिंह समेत बीजेपी के पूर्व मंत्रियों पर सवाल उठाए। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह झूठ फैलाने का आरोप लगा रहा है। इस पर कांग्रेस की तरफ से पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। सबसे बड़ा झूठ तो मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री दिखाए कौन सा हाईकोर्ट का फैसला है, कौन से डॉक्यूमेंट है हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट ने कौन सा आदेश दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के भ्रम फैलाने का काम, पेपरबाजी का काम करते हैं। कोई हाईकोर्ट का ना फैसला आया है ना हाईकोर्ट का निर्देश है, वो सिर्फ झूठी और मनगढ़ंत बात करते हैं। निश्चित तौर पे वो आदेश कल ही हमने मीडिया ग्रुप में डाला था और हम रमन सिंह को पास भी भेज देंगे कोर्ट का आदेश, और रमन सिंह को खुद ही पता हो गया होगा। भाई 1 करोड़ रुपया घूस लिया था उन्होंने 2007 में, आज उसकी वैल्यू कम से कम 8 करोड़ रुपए होती है। कैसे भूल जाएंगे 1 करोड़ रुपए? किसी से 100 रुपए लेने वाला भूलता नहीं है। 1 करोड़ घूस लिया उन्होंने, उनके मंत्रियों ने भी लिया। इधर रायपुर में कल से 5 दिवसीय वीएचपी का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। देश भर से वीएचपी के पदाधिकारी पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे सम्मेलन में। धर्मांतरण को लेकर चर्चा की जाएगी और धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने को लेकर भी मांग उठाई जाएगी। विधेयक की सालाना 2 राष्ट्रीय बैठकें हैं और ये एक बैठक है। छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन यहां पर हो रहा है, इसलिए खास इसे माना जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक है और रायपुर में इसलिए देश भर के कार्यकर्ता आए, और जो षष्ठी पूर्ति वर्ष है, 60 वर्ष विश्व हिंदू परिषद को पूर्ण होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में सारी योजनाओं का विचार होगा और जो सारी चुनौतियां हैं, धर्मांतरण है, लव जिहाद है, इन सारे विषयों के बारे में भी यहाँ योजनाओं के बारे में विचार होगा। देखिए, हर राज्य में हमारी मान्यता है कि कानून आना चाहिए धर्मांतरण के विरोध में, क्योंकि धन देकर, प्रलोभन देकर इस तरह का धर्मांतरण करना ये गैर कानूनी है, और इसलिए योग्य कानून चाहिए। और लव जिहाद भी उसी का एक हिस्सा है। ये दोनों भी विषय मिलाकर एक कानून हर राज्य में और केंद्र में भी आना चाहिए। और अब 25 सेकंड में खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम से चुनावी शंखनाद, पद्मश्री उषा पाडले से की मुलाकात। अमित शाह से मिली पद्मश्री उषा पाडले, कहा राजनीति को लेकर नहीं हुई बात। अमित शाह ने चखा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैजा ने बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी के पास कुछ कहने को नहीं बचा, बीजेपी पर नहीं जनता का भरोसा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का बड़ा बयान, प्रदेश में बीजेपी नेताओं की हो रही टारगेट किलिंग, कहा ढहने वाला है कांग्रेस का किला। सीएम हाउस में कांग्रेस संगठन को लेकर हुई बैठक, बूथ स्तर पर चुनावी रणनीति को लेकर मंथन। बैठक में कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल भी रहे मौजूद। कल से रायपुर में विश्व हिंदू परिषद का 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, सम्मेलन में जुटेंगे देशभर के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की उठेगी मांग। कोरबा में एम्बुलेंस टीम ने ड्यूटी के साथ निभाई इंसानियत की जिम्मेदारी, खाट पर मरीज को एम्बुलेंस तक लाया, समय पर अस्पताल पहुंचा। बिलासपुर में डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार कार, पलटने के बाद कार में लगी आग, हादसे में 3 लोग घायल। भिलाई स्टेशन के ट्रैक पर काम की वजह से ट्रेन परिचालन प्रभावित, रायपुर रेल मंडल की 7 ट्रेनें रहेंगी रद्द।
कांकेर में दुर्गा मंदिर में चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार, दान पेटी और बर्तन चोरी कर हुए थे फरार। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की फिर बढ़ी मुश्किलें, दुर्ग में सुपेला रेलवे अंडरब्रिज में आज गर्डर लॉन्च। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में व्यापारी के घर से मिली अकूत संपत्ति, 2,76,000 रुपए के कैश की बरामदगी। जशपुर के कासाबेला में हाथियों ने घरों को पहुंचाया नुकसान, घर में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान, वन अमला मौके पर तैनात। बुलेटिन में इतना ही, देख रहे न्यूज 18।